फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर त्रिपाठी और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की 6.5 एक्सरसाइज क्लास 12 चैप्टर मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमको दिया हुआ है ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। एक हमारे पास एक स्क्वायर शीट है जिसका साइज 18 सेंटीमीटर है। ये स्क्वायर शीट है, ये हो सकता है बराबर नहीं बनी हो मुझसे, पर ये इसका साइज आप अज्यूम कर ले 18 सेंटीमीटर है और इसके चार कॉर्नर कट करके, तो 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स। इसको एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, जिस पे टॉप नहीं होगा, बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। चार स्क्वायर काट देंगे हम हर कॉर्नर में से और उन चारों कॉर्नर्स को काटने के बाद एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, और उनको यहाँ से हम मोड़ देंगे तो हमारे पास एक बॉक्स आ जाएगा और उस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। उस बॉक्स का वॉल्यूम जब मैक्सिमम होगा तो उन जो चारों कॉर्नर्स जो हमने कट किए वो कितने साइज के कॉर्नर कट होंगे ताकि वॉल्यूम इसका मैक्सिमम हो। इसके लिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए बेशक ये रेक्टेंगुलर शीट है पर इसी तरीके की शीट है जो स्क्वायर शेप की है, स्क्वायर शेप की शीट, और उसमें से हम अगर चार कॉर्नर कट करेंगे तो ये आप देखिए कि अगर इसमें से चार स्क्वायर ही कट करना पड़ेंगे, रेक्टेंगुलर नहीं कट करना पड़ेंगे, स्क्वायर शेप कट करना पड़ेंगे। और फोल्डिंग अप द फ्लैप्स का मतलब है फिर इन्हें यहाँ से और नीचे से मोड़ना पड़ेगा। जब हम ऐसा मोड़ देंगे तो हमारे पास ऐसा बॉक्स बन जाएगा। ऐसे कितने बॉक्स बन सकते हैं? तो ऐसे अलग अलग साइज के स्क्वायर काटने से बन सकते हैं। जैसे मैंने इसमें से ये इस साइज के स्क्वायर्स को काटा है, ऐसे आप अलग अलग साइज के स्क्वायर्स काटेंगे, अलग अलग साइज के बॉक्सेस आपके पास बनेंगे। बेशक ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है क्योंकि, लेकिन इसमें इस केस में आपके पास जो बॉक्स बनेगा उसका बेस स्क्वायर होगा। क्यों? ध्यान से देखिए, अभी इसका साइज कितना है, 18 सेंटीमीटर इधर है, 18 इधर है। अब आप इसमें से चार कॉर्नर एक्स एक्स साइज एक्स एक्स लेंथ के स्क्वायर्स काट देंगे तो इसका अंदर का साइज कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, ये भी आपके पास हो जाएगा 18 माइनस 2x। और इसका हाइट क्या होगा, तो हाइट यू कैन रियलाइज इसकी जो हाइट होगी वो वही हाइट होगी जो इसका साइज इस स्क्वायर का लेंथ होगा, तो इसकी साइज उसी के बराबर होगी क्योंकि ये उसी से कैंस कटा हुआ है, उससे कट करके ये मुड़ा है तो इसकी हाइट एक्स होगी। तो इसका वॉल्यूम कितना होने वाला दोस्तों, इसका वॉल्यूम होना वाला है LBH, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ क्या होगी आपकी, लेंथ होगी 18 माइनस 2x, ब्रेथ होगी 18 माइनस 2x और हाइट इसकी होगी x। आप ध्यान से देखिए, आप 18 माइनस 2x को मल्टीप्लाई कर दें, 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू x लिख दिया, ये वॉल्यूम है। अब मैक्सिमा मिनिमा का जो प्रोसीजर है कि टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, इसमें बेशक मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है लेकिन हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यूजिंग प्रोडक्ट टूल उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 into 18 minus 2x whole to the power 2 minus 1। डिफरेंशिएशन ऑफ 18 minus 2x इज 0 minus 2, एक्स कॉन्स्टेंट प्लस 18 minus 2x whole square कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1। अब इसमें से आप देखो कि क्या कॉमन आ सकता है, तो इससे देखेंगे अपन क्या कॉमन आ सकता है। तो इससे कॉमन आ सकता है आपका 18 minus 2x कॉमन आ सकता है। 18 minus 2x जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2 into this minus 2 into this x, तो ये बचेगा -4x प्लस इसमें क्या बचेगा आपके पास, इसमें बचेगा 18 minus 2x। और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे 18 minus 2x, ये 18 minus 6x हो जाएगा। अब ये आ गया है हमारे पास dv/dx। नाउ टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट्स पता लगाना है, क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है, dv/dx = 0।
तो डी वी बाई डी एक्स को जीरो से इक्वेट करेंगे, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, मतलब 18 माइनस 2x को जीरो से इक्वेट करेंगे और 18 माइनस 6x को जीरो से इक्वेट करेंगे, 18 माइनस 6x को जीरो से इक्वेट करेंगे, तो जो x की पॉसिबल वैल्यूज हैं, इससे x की वैल्यू 9 आएगी और इससे x की वैल्यू 3 आएगी। तो देखिए कौन सी वैल्यू पॉसिबल है और कौन सी नहीं है। तो एक वैल्यू आएगी x की 9 और एक वैल्यू आएगी x की 3। तो x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, ध्यान से देखिए, पहले वाले से आएगी x की वैल्यू 9 और दूसरे वाले से आएगी x की वैल्यू 3। अब आप सोचिए कि आपकी जो आपका जो स्क्वायर है, उस स्क्वायर की लेंथ, उस स्क्वायर की टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लेंथ है वो 18 है, उसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर है। अगर उससे 9 सेंटीमीटर के आपने स्क्वायर कट कर दिया, तो एक तो 9 ये और दूसरा 9 ये, ध्यान से देखें क्या है हमारे पास, दो हैं, एक 9 ये। तो अगर आपने 9 लेंथ, 9 ब्रेथ का, यानी 9 लेंथ के स्क्वायर 4 काट दिए, तो आपके पास ये चारों अलग अलग हो जाएंगे, ये 4 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा और कुछ भी बचेगा नहीं। तो फिर वॉल्यूम क्या हुआ, तो फिर उस केस में वॉल्यूम पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये वैल्यू x की 9 जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो जो पॉसिबल वैल्यू है वो होगी x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमें ये देखना है कि इसमें वॉल्यूम मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, इसके लिए हम वेरीफाई करते हैं। तो टू वेरीफाई वी इज मैक्सिमम, वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है या नहीं है, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा डी टू वी बाय डी एक्स स्क्वायर, उसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 18 माइनस 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 2 और 18 माइनस 6x कांस्टेंट रहेगा प्लस 18 माइनस 2x कांस्टेंट रहेगा, 18 माइनस 6 का हो जाएगा 0 माइनस 6। अब x की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, एट x इज इक्वल टू 3, एक्स की जगह हमने 3 सेंटीमीटर वैल्यू डाल दी, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 18 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 18 माइनस 2 इंटू 3 इंटू माइनस 6। तो देखना क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, 18 माइनस 6 3 जा 18, 18 माइनस 18 0, ये हो जाएगा 18 माइनस 2 3 जा 6, 18 माइनस 6 12, 12 6 जा 72 और माइनस का 72 होगा लेस देन 0। देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज व्हाट, व्हेन एक्स इज 3 सेंटीमीटर, मींस व्हेन लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये था इसका आंसर, होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप समझ पाए हैं और आप कुछ समझते हैं कि हाँ इसमें कुछ एसेंस है, तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, आप खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, देश को बढ़ाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।